नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल जिसका नाम इलेक्ट्रिकल गाइड है, मैं आपका स्वागत है। यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें आप लोगों को कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की टेस्टिंग और वर्किंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट अपन जो लेते हैं वो आपका कॉन्टेक्टर लेते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्टर है, L&T मेक कंपनी का कॉन्टेक्टर है, L&T मेक कंपनी है और इसमें MNH25 लिखा है, मतलब ये इसका मॉडल नंबर है। और ये 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है, MNH25 मीन्स 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर हुआ। ओके, इसमें जो कॉइल वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे कॉइल वोल्टेज लिखा रहता है आपको 240 50 ऑब्लिक 60 हर्ज लिखा हुआ है। कॉइल का जो पॉइंट होता है A1 और A2 होता है, इसमें दोनों साइड कॉइल का पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पर है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया है। तो आप कॉइल के लिए न्यूट्रल और फेस ये दोनों यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसमें जो इन पॉइंट होता है आपका L1 L2 L3 होता है और जो आउट पॉइंट होता है वो T11 T12 और T3 होता है। ओके, ये जो पॉइंट होता है नॉर्मल ओपन होता है, जब ये ऑपरेट होता है, जब कॉन्टेक्टर में सप्लाई दिया जाता है तो ऑपरेट होता है और उस कंडीशन में ये NC बन जाती है। तो यहाँ से मतलब यहाँ तक सप्लाई दौड़ने लगती है। तो इसको मैं सप्लाई देख के सप्लाई डाल के इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड, फिलहाल इसको सप्लाई नहीं दिए हैं और इस कंडीशन में चेक करते हैं तो ये आपको देखिए, ये देखिए, ये आपको नॉर्मल ओपन बता रहा है, सेकंड पॉइंट ओपन बता रहा है और ये जो पॉइंट है ये भी आपका ओपन बता रहा है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ये से मैंने न्यूट्रल दे दिया और ये से मैंने फेस सप्लाई दे दिया, न्यूट्रल फेस दे दिया। एक तो इसके कॉइल को भी चेक हो जाएगा और इसके जो पॉइंट्स हैं टर्मिनल्स है वो भी चेक हो जाएगा। तो अपन सप्लाई देते हैं इसमें, देखो इसे मैंने सप्लाई दे दिया और कॉन्टेक्टर मैकेनिकली रूप से ये नीचे बैठ गया है। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिकली रूप से नीचे बैठ गया है। देखिए अब देखिए पॉइंट जो है, देखिए ये पॉइंट आपका जो नॉर्मल ओपन था वो सारे पॉइंट कैसे हो गया, नॉर्मल NC बन गया। देखिए ये NC बन गया और ये पॉइंट भी NC बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगा रहता है, ये मैंने जो रखा हुआ है आपका 1 NO और 1 NC का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। देखिए आपका 1 NO और 1 NC, देखिए ये आपका NO है और ये आपका NC है। इसको कॉन्टेक्टर में कैसे फिट करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये कॉन्टेक्टर को ओपन कीजिए आप, ये ऐसे प्रेस कीजिए, ये ओपन हो जाएगा और ये जो प्रेस करने का एक बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करके अंदर इसको स्लाइड कर दीजिए। देखिए ये फिट हो गया। अब इसमें भी हम सप्लाई देके देखते हैं, सप्लाई देखने के बाद ऑपरेट होगा, ऑपरेट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए इसको मैंने नॉर्मल ओपन बताया था तो देखिए ओपन बता रही है और इसको मैंने NC बताया था नॉर्मल कोर्स तो ये आपका NC बता रहा है। जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मैंने सप्लाई देके देखते हैं इसमें, तो ये जो पॉइंट मैंने नॉर्मल ओपन बताया था वो NC हो जाएगा। देखिए NC हो गया और जो NC पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए ये NC था, ये नॉर्मल ओपन हो गया। फ्रेंड्स, मैं अब आपको ओवरलोड रिले के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओवरलोड रिले जो यहाँ पे मैं लिया हूँ ये भी L&T कंपनी का ओवरलोड रिले है और इसका मॉडल नंबर देखिए यहाँ पे लिखा रहता है आपका MN2, ये मॉडल नंबर है। इसके ड्राइंग्स, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो इसके जो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ये आपका 95 होता है, ये 94 होता है, ये 96 होता है, 97 होता है, 98 होता है। तो इसमें से 97 और 98 जो पॉइंट रहता है इसको आपका ट्रिप कंडीशन में इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो आपका 95 एंड जो 96 रहता है इसको हम लोग क्लोज और स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो सप्लाई आती है कंट्रोल सप्लाई वो सबसे पहले 95 में जाता है और 96 निकल के उस बटन को चली जाती है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको स्लाइडिंग एक स्विच दिख रहा है। ये स्लाइडिंग स्विच क्या होता है, इस स्लाइडिंग स्विच में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो और मैनुअल लिखा हुआ है। ये ऑटो और मैनुअल लिखा हुआ है मीन्स अगर मैंने इसको ऑटो में रख दिया है तो जब भी मेरा मोटर ट्रिप होगा या ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो रीसेट अपने आप हो जाएगा, ऑटो में हो जाएगा। और अगर मैनुअल में मैं रखता हूँ
तो जब भी मोटर ट्रिप होगा तो जब तक मैं ये बटन जो दिख रहा है आपका ओवरलोड ओ ऑब्लिक आर, ये रीसेट पुश बटन कहते हैं इसको, जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो उसी कंडीशन में रहेगा भाई, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब ट्रिप में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे रिले का रेंज दिखा रहा है आपको 20 एम्पियर से 30 एम्पियर, तो ये जो रिले का सेटिंग जो रहता है ये हम टेस्टर से ऐसा घुमाकर रिले का जो करेंट सेटिंग है इसको हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को पॉइंट्स के बारे में दिखा देता हूँ, पॉइंट के बारे में चेक करके बता देते हैं कि कैसे पॉइंट को चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट नॉर्मल है और कौन सा पॉइंट क्लोज है और कौन सा पॉइंट आपका ओपन है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जो 95 एंड 96 रहता है ये नॉर्मल एनसी रहता है, तो देखिए ये नॉर्मल एनसी है, ये देखिए सप्लाई आ रहा है, और 97 एंड 98 को मैंने क्या बोला था, नॉर्मल क्लोज बोला था, तो देखिए ये क्लोज है। लेकिन जब ट्रिप होगा, ट्रिप की कंडीशन में मैं इसको अभी फिलहाल कौन से पोजिशन में, ये मैनुअल पोजिशन में, ओके मैनुअल में, तो ये जो 97 और 98 है इसको मैं ट्रिप करके देखता हूँ। अभी क्या दिखा रहा है, ये आपका नॉर्मल ओपन दिखा रहे हैं, जैसे मैं इसको ट्रिप करूँगा ये देखिए ये आपका एनसी दिखाने लगा, और ये तब तक एनसी दिखाया गया जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा। रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा, देखिए ये रीसेट हो गया। ओके एक बार और मैं ट्रिप करके दिखाता हूँ, ये ऑटो में टिप करते हैं, अब ऑटो में रखते हैं फिर क्या होता है, देखिए ये मैंने ऑटो में रख दिया, ऑटो में रखा, और ये पॉइंट देखिए अभी क्या दिखा रहा है, नॉर्मल ओपन दिखा रहा है। मैं इसको रीसेट किया, सॉरी मैं इसको ट्रिप करता हूँ, ये मैंने ट्रिप किया, ये एनसी हो गया, बट ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, देखिए छोड़ते ही रीसेट होगा क्योंकि हमने ऑटो में रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के बारे में। ये देखिए ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, इसके नीचे में जो एलिमेंट लगा रहता है ये इसमें आपका एनसी रहता है, एनसी मीन्स ये नॉर्मल ओपन होता है, आप चेक करके देख लीजिए, इसको मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये कंटिन्यूटी में है मेरा मल्टीमीटर, और देखिए यहाँ पे ये देखिए ये नॉर्मल एनसी है, नॉर्मल क्लोज है, मतलब सप्लाई वहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब आप इसको ऑपरेट करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, ये मतलब सर्किट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है इमरजेंसी इस टॉप बटन का कि जब तक इस बटन को रिलीज़ नहीं करेंगे, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ, इसको उस डायरेक्शन में रिलीज़ करना पड़ता है, तो ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ओके एक और पुश बटन होता है जिसको हम लोग स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, और इसके नीचे जो लगा रहता है एलिमेंट इसको हम लोग एनो बोलते हैं, एनो पॉइंट रहता है, मतलब ये नॉर्मल ओपन होता है। तो देखिए मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये नॉर्मल ओपन है, जब आप प्रेस करेंगे इस पुश बटन को, प्रेस कीजिए, देखिए मैंने उधर पीछे से प्रेस किया है, मैकेनिकली जब प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपके कैसे बन जाएगा, देखिए जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, और जैसे आप बटन को आप छोड़ेंगे तो वापस अपने स्थिति में आ जाएगा। फ्रेंड मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, एनओएनसी कॉन्टेक्ट एंड इमरजेंसी स्टॉप बटन की टेस्टिंग व वर्किंग प्रणाली समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट और सुझाव का इंतजार रहेगा, और इसी तरह के इलेक्ट्रिकल स्विच गियर पर आधारित वीडियो देखने के लिए इसको लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा अगला वीडियो डोल स्टार्टर की पीएलसी बेस वायरिंग डायग्राम पर होगी। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।